हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर सुरिया पटेल। सो गाइस, मैं आज हिजाब निकाब दिखाने जा रही हूँ गाइस। जो आज मैंने खास करके ये कपड़े ईद के लिए खरीदे थे बट पहने नहीं थे। सो आज मैंने सोचा कि आपके लिए हिजाब निकाब का वीडियो बना लूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास ये बड़ा सा एक स्कॉर्फ है और इसके साथ जो दुपट्टा आया है उसको भी हम वेयर करेंगे, बट कैसे वो हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, उसी के साथ हम इसी सो गाइस, हम उसी के साथ दुपट्टे से अपना फेस कवर करके भी दिखाएंगे। सो बहुत दिनों के बाद मैं ट्यूटोरियल्स बनाने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सो गाइस, मैंने फर्स्ट ये बड़ा सा स्कार्फ ले लिया है और इसको मैं ना आगे से थोड़ा सा बैंड कर दूँगी, ठीक है। क्यों वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों बैंड करना जरूरी है। सो गाइज, मैंने इसको थोड़ा सा बैंड कर लिया है, मतलब थोड़ा सा मोड़ लिया है, ठीक है। पहले मुझे ये कैप पहननी पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हो, बिकॉज हमें पीछे के हेयर भी अपने हाइड करने हैं, प्लस के अपने ईयर्स भी थोड़े बहुत हाइड करने हैं, राइट। तो इसको हमने पहन लिया है। अभी इसके बाद हम ना यहाँ पे छोटा सा एक बन बनाएंगे विथ दिस कैप, ओके। तो ये बनाने के लिए हमें इसको यहाँ से थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा और होल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे लाके हमें टाइट से बांधना पड़ेगा इस तरीके से, राइट। और इसको मैं इस तरीके से छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे ना अच्छे से एक हिजाब भी बनाना है इसी के ऊपर, तो इस वजह से तो अपनों को ऐसे करना है, राइट। और इसको ऐसे करते जाना है ताकि अपने ईयर्स भी थोड़े बहुत सेफ रहे विद दिस कैप। तो हिजाब का मतलब होता है कि बालों को दिखाना नहीं है, राइट, वरना हिजाब का मतलब हिजाब नहीं होता। तो अभी मैंने ये चाहूँगी, मैं छोड़ा है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली है, ऐसे एक नॉट लगा लेनी है जिससे कि अपना स्कार्फ सेफ रहे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बंस अच्छे से नहीं बनाए, अगर आप टाइट बंस बना के बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये सीधा छोड़ दिया है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ, राइट। तो राइस आप देख सकते हो बहुत अच्छे से अपना जो कैप है वो पहन ली गई है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और हिजाब बनाऊंगी। तो इस हिजाब को बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पीछे मैंने को पिन लगानी पड़ेगी, तो पिन को लगाने के लिए अभी मैंने कैप क्यों पहनी है वो आपको पता होगा, क्यों पहनी है पता है आपको, क्योंकि अपने ये जो पीछे के हेयर है ना, हम इसको रख नहीं सकते हैं वैसे तो, तो मैं भी यहाँ पे पिन लगाई करेंगे जिससे हमारा जो स्कार्फ है उसका जो बैलेंसिंग है वो बना रहे, ठीक है। तो ये हिजाब हमारा रेडी हो गया है, नहीं रेडी नहीं हुआ है अभी, बहुत कुछ बाकी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। बिकॉज ऑफ ईद है तो मुझे भी थोड़ा बहुत शो ऑफ करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इस हिजाब को यहाँ पे पिन कर दूंगी, ओके। बट पिन करने से पहले मुझे आपको अच्छे से दिखाना है, ठीक है। तो मैंने इसको आप देख सकते हो ऐसे किया है, ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया है, राइट। तो आप कोई भी पिन ले सकते हो, इससे जो आपका स्कार्फ को बैलेंसिंग रख सकती है, यस। सो ये हो गया है, बिकॉज ईद है तो मुझे कुछ लुक डिफरेंट देना है, अपने आप को डिफरेंट बनाना है, राइट। तो अब इस तरफ का तो हो गया है, राइट, यस हो गया है।
अभी बाकी रहा ये सीरा, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ला के इसको यहाँ पे बहुत ही चालाकी से यहाँ पर मैं इसको बंद कर लूँगी, जिससे कि मेरा लुक अच्छा आए। ठीक है, सो गाइस देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और पिन लग गया। ओके, तो मैंने ये पिन लगा दी है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे एक और पिन लगा सकते हो। आपको ऐसा लुक पसंद है तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंसिंग दे, आगे ले लेना है, राइट, आगे लूँगी। ठीक है, अभी मुझे बाहर जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे थोड़ा पॉल्यूशन लग रहा है, मतलब थोड़ी धूल मिट्टी आ रही है मेरे फेस पे, तो मुझे उससे बचना है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से अपना फेस कवर कर लूँगी, राइट, जिससे कि मेरा फेस कवर रहेगा। प्लस के आप नेट वाली नहीं यूज़ करना चाहते, आप ये सीरा भी यूज़ कर सकते हो, और मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मैं ईयरिंग्स दिखा रही हूँ, ईयरिंग्स मेरे दिख रहे हैं, आइडिया, मेरा आइडिया थोड़ा हटके हैं पर अच्छा है। हिजाब का हिजाब भी आ जाएगा, प्लस के आप दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो। दुपट्टा कैसे वेयर करना है मैं वो भी दिखा दूँगी आपको, ठीक है। अगर आपको ईयरिंग्स दिखाने हैं तो वो भी दिख सकते हैं, बड़े से ईयरिंग्स दिखाने तो बड़े से ईयरिंग्स भी दिख सकते हैं, राइट। तो चना भी चाहती है, ओके। सो गाइस मैंने यहाँ पे बड़े से ईयरिंग, ओके, ओके। सो गाइस मेरे ईयरिंग्स दिख रहे हैं ना आपको, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने हिजाब हट के बनाया है थोड़ा बहुत, तो इसलिए दिख रहे हैं, राइट। ऐसे आप रख सकते हो, मेरा स्कार्फ थोड़ा मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत ढीला है, चलिए अभी तो अभी मेरे को ये अगर फेस मास्क बनाना है तो भी बना सकती हूँ। देखो रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक पिन यहाँ पे लगाऊंगी मैं, एक पिन यहाँ पे लगा लूँगी। अगर पॉल्यूशन से बचना है तो आपको ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। प्लस के आपको दोनों साइड से अपना फेस कवर करना है इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ले लेना है ताकि आपको और अच्छे से दिखे। और अभी हम आपको ना पूरा लुक दिखाएंगे अपना, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो ये पॉल्यूशन से बचने के लिए है, पर पॉल्यूशन लगता है तो फाइनली ये मेरा दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, तो इसको मैं वेयर करूँगी इस तरीके से। सो गाइस दुपट्टा आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसे निकाल लेंगे, हमको नहीं मतलब गर्मी डालूंगी, और इसी के साथ इसे चलूंगी फिट हिसाब, देख सकते हो आप। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वो है, तो मैं यहाँ पे इसको पिन कर सकती हूँ या फिर यहाँ पे पिन कर सकती हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे करोगे तो भी मस्त लगेगा, यहाँ पे एक फूल सा बना लेना है इसको ऐसे करके, और फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करके रख दिया है। सो गाइस अगर आपको हमारा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और गाइस ये दुपट्टा इसके ये कपड़ों के साथ था, तो मैंने ये कपड़ों से प्लस के हिजाब और मेकअप भी दिखा दिया, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल्स। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय एवरीवन। सो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हो अगर पॉल्यूशन से बचना है तो, अदरवाइज ऐसे भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दुपट्टे के साथ हिजाब आपको कैसे बांधना है वो जस्ट मैंने दिखा दिया।
अगर आपको ऐसे बांधना है, आपको इयररिंग्स दिखाने हैं, आपको नेकलेस पहनना है, आपको थोड़ा बहुत नट्स वगैरह, फिर नट को भी पहन सकते हो। मैंने नॉर्मल सा लुक किया, नो मेकअप नो नथिंग, जस्ट आईलाइनर लगाया था, तो इसी वजह से मैं इतना कूल नहीं लग रही हूँ। पर हाँ, आप सो गाइस, ये था हमारा फाइनल लुक। जैसे कि आप देख सकते हो, हिजाब, दुपट्टा, दुपट्टा भी आ गया ड्रेस का, पूरे ड्रेस का। मैं पूरा ड्रेस दिखा देती हूँ आपको, तो पूरा ड्रेस इस तरीके से है, आप देख सकते हो। तो ये है पूरा ड्रेस मेरा, और उसके साथ ये दुपट्टा आया हुआ है, जिसके इसके अंदर बहुत ही अच्छे से वर्क किया गया है, आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, ये है मेरा हिजाब। जैसे कि आपको हिजाब भी पहनना है, दुपट्टा भी पहनना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। कब तक आप ओल्ड स्टाइल करते रहोगे? ये थोड़ी सी हटके और डिफरेंट स्टाइल है, बट बहुत प्यारी लगेगी। हाँ गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप सुकअप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया है, इसलिए थोड़ा उबर के नहीं आ रहा है। बट ये मेकअप वगैरह के साथ ये वाला जो हिजाब, दुपट्टा, कपड़े बहुत अच्छे लगेगा। ओके गाइस, सो हमारा ब्लॉग, हमारा ट्यूटोरियल्स यहीं तक था। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग एंड नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।